अब हम देखिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, एक्सक्लूसिवली कीटोन। देखिए अब अगर हम फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिया, आर एम जी बी आर ले लो या आर एम जी एक्स लिखा हो, जैसे मैंने आर एम जी बी आर ले लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हमने कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया तो ये कंपाउंड बना डाई अल्काइल कैडमियम का बना, प्रोडक्ट बना डाई अल्काइल कैडमियम का बना। इसको फिर हमने रिएक्ट कराया असाइल क्लोराइड से। अब असाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराने पर इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो जाएगी। कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देखिए हो जाएगी, देखिए यहाँ पे जो कार्बन कैडमियम से बॉन्डेड है, कैडमियम मेटल होता है, मेडियम मेटल के ऊपर प्लस चार्ज होगा और इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, माइनस। तो अगर इसके ऊपर प्लस है और इस पर माइनस है तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो ये बेसिकली इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करता है, भाई सी और बॉन्ड ओ के बॉन्ड में सी पे क्या चार्ज होगा, प्लस होगा, तो सी एल माइनस क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सो इट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको बात समझ आ गई। अब बात आती है भाई ग्रिग्नार्ड की कार्बन में इसके ऊपर माइनस था, इस पर प्लस था, ये माइनस थी ना, तो इसी से डायरेक्ट क्यों नहीं रिएक्ट करा दिया। इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए इसको डाई अल्काइल कैडमियम में चेंज करा जाता है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कीटोन में डाला तो अगर आप ध्यान देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर इसमें असाइल क्लोराइड में डाला होता तो ये इसको पहले कीटोन में कन्वर्ट करता और कीटोन फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके उसको 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए पहले इसे डाई अल्काइल कैडमियम में चेंज करा जाता है, फिर उसे असाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराया जाता है, तो जिससे कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद रिएक्शन कीटोन पे रुक जाएगा। अगर आपने ग्रिग्नार्ड को असाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराया तो रिएक्शन कीटोन पे रुकने वाला नहीं है, रिएक्शन फर्दर किस में चला जाएगा, रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल में चला जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन तो बैलेंस होते नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर से रिएक्ट कर जाएगा। तो ये याद रखना कि अगर आपको असाइल क्लोराइड पे रिएक्शन के साथ रिएक्शन अगर कीटोन पे रोकना है तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट करके दैट इज R2 कैडमियम डाई अल्काइल कैडमियम में चेंज करना है, जो कि फर्दर असाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये मिक्स कीटोन है, मिक्स कीटोन का मतलब होता है कार्बोनिल के दोनों तरफ की कार्बन चेन क्या है, डिफरेंट है। मिक्स कीटोन भी बना सकते हो, सिमेट्रिकल कीटोन भी बना सकते हो, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ सेम हो जाए। और ये जो आर एम जी बी आर है, ये R जो है ये फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है, ठीक है। अब अगला मेथड देखो, ये हमारे अभी बात करी फ्रॉम साइनाइड यानी कि नाइट्राइल से कैसे बनाना है। अगर हमने यहाँ पे HCN लिया होता तो ये रिएक्शन जो है एल्डिहाइड पे जाता, पर अगर हमने R-CN लिया है तो ये R ग्रुप इस कार्बन पे अटैक करेगा और ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड नाइट्रोजन हो जाएगी। इसे देखो, ये R माइनस है, माइनस वाली कार्बन प्लस वाली कार्बन पे अटैक करेगी, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किधर हो गई, नाइट्रोजन की तरफ। तो अब इस माइनस वाली कार्बन ने जब प्लस वाली कार्बन से बॉन्ड बनाया, माइनस वाली कार्बन ने जब प्लस है तो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ हो गई, नाइट्रोजन। तो ये ट्रिपल बॉन्ड चेंजेस टू दी डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के पास ये दो कार्बन चेन आ गई, जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो सी और एन का बॉन्ड क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, सी और ओ में चेंज हो जाएगा, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। फिर से इसमें मिक्स कीटोन भी बना सकते हो और दोनों तरफ कार्बन चेन क्या रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो। पर आपको समझ आ गई ये बात कि हाउ द कीटोन्स आर फॉर्म फ्रॉम द साइनाइड। अब आप देखिए, ये एल्काइन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एल्काइन से आप एसिड हाइड्रेशन जब आप करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी कायन तो आप उससे एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी। वहीं पर हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करते हो तो भी एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है। अब देखिए कैसे, इसकी कंडीशन जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इथाइन लिया है, जैसे इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलीन, अगर हम एसिटाइलीन की इसे कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन या एसिड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+ आयन, तो उस केस में ये है ही दो कार्बन, तो इट चेंजेस इनटू द एल्डिहाइड। ये किस में चेंज करता है, एल्डिहाइड। सी और सी का कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से ध्यान से देखो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, तो इनमें से वन ऑफ द कार्बन किस में चेंज हो जाती है, कार्बोनिल में चेंज हो जाती है। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है पर इस फास्ट रिवीजन में हम उस मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो अभी आप सिर्फ इसको क्या कैसे याद रख लो, इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन याद रखिए। फिर से देखिए, ट्रिपल बॉन्ड चेंजेस इनटू द सिंगल बॉन्ड, जिसमें से एक कार्बन के पास एक एच है तो दो एच उसके पास एड ऑन हो जाती है और साथ वाली कार्बन जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल में चेंज कर गई। अब उसके पास एक एच पहले से है, ठीक है, ये चीज़ बात समझ आ गई, ये चीज़ ठीक है। वहीं पर अगर हम हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन करेंगे तो होना ये चाहिए एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, क्योंकि ये दो ही कार्बन है तो इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ कहाँ से होगी, इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनता है यानी कि एल्डिहाइड। इसका मतलब अगर हम एक सिमेट्रिकल एल्काइन लेते हैं, सिमेट्रिकल एल्काइन जिसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो उसकी एसिड हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी काइन करो या उसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करो, प्रोडक्ट विल कम आउट टू बी सेम, दोनों में सेम प्रोडक्ट आएगा। जैसे अगर इथाइन है, सिमेट्रिकल एल्काइन है, दोनों में ही एल्डिहाइड बना,
ठीक है ये चीज़। अगर एक ब्यूट टू आइन होता ट्रिपल बॉन्ड चेन के बीच में होता तब भी वो सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट सेम आता, दैट इज ब्यूटेन टू ऑन ही आता, ब्यूटेनॉन ही बनता। अब अगले देखिए, अगर हमने प्रोपाइन लिया अब ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, इसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात देखो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में एक कार्बन के पास H लगा है, दूसरी कार्बन के पास मिथाइल है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो इसमें दोनों केसेस में प्रोडक्ट डिफरेंट आएगा। कैसे डिसाइड करेंगे अब क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन? जब भी आप एसिड हाइड्रेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन करते हो तो याद रखो मार्कोनिकोव एडिशन होती है। मार्कोनिकोव एडिशन का मतलब होता है कि नेगेटिव रिएजेंट उसके पास जाता है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है, आपने याद हो एल्कीन में करा था। अब यहाँ पे आपको कैसे करना है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, अब इसके पास एच कम है तो इसी को कार्बोनिल बना दो, इसी को क्या बना दो कार्बोनिल, और साथ वाली कार्बन के पास दो एच एड ऑन कर दो, ठीक है। ऑक्सीजन एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो इसी के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर हम इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो उस केस में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगी, मतलब जो नेगेटिव रिएजेंट है उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि कार्बोनिल वो बनेगी जिसके पास H ज़्यादा है, इसका मतलब एंड वाली कार्बन ये बनेगी, तो ये इस केस में क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो इसमें मार्कोनिकोव एडिशन होती है एसिड हाइड्रेशन में, और हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकोव, तो एंटी मार्कोनिकोव होने का मतलब जिसके पास H ज़्यादा है ऑक्सीजन उसी के पास जाएगी, इसका मतलब कार्बोनिल जो है इन दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में से ये बनेगी, और एसिड हाइड्रेशन में कार्बोनिल ये वाली कार्बन बनेगी जिसके पास H कम है, ठीक है। तो एसिड हाइड्रेशन में कीटोन बन गया और हाइड्रोबोरेशन में एल्डिहाइड बन गया। इट्स अ वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम द एल्काइन। अब आपको ये बात समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपकी रिवीजन अच्छी हो रही हैं, देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रेफर टू द अदर पीपल ऑल्सो। थैंक यू।